तो हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेल्टाउन के न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में और यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो कुछ भाइयों का कहना था कमेंट बॉक्स में, उन लोग बार बार यहाँ पे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे बेल्टॉन के प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करवाइए। ठीक है, तो आज से मैं इस चैनल पर डेली 10 क्वेश्चन यहाँ पे बेल्टॉन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको मैं यहाँ पे 10 10 क्वेश्चन डेली यहाँ पे लेके आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सबको मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से रीड करके आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, कि कौन कौन से एग्जाम पूछे जाते हैं और यहाँ पे बेल्टॉन न्यू रजिस्ट्रेशन के वालों के लिए खुशखबरी क्या है वो भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आगे। तो वीडियो में आगे आपको यहाँ पे खुशखबरी मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लें अच्छी तरह से। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे गुड न्यूज़ मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है वो हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसमें आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि दिमाग किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन क्या है यहाँ पे सबसे पहली बात। ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है सीपीयू। ठीक है, क्योंकि सीपीयू में सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, कंप्यूटर में सारी चीजें यहाँ पे सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ पे आउटपुट डेस्कटॉप में यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। ठीक है, तो सीपीयू में सारे प्रोसेस होता है, सारा काम होता है, सारा दिमाग सीपीयू का होता है, इसीलिए कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है किसी प्रोग्राम में बग को क्या कहा जाता है। किसी प्रोग्राम में बग को एरर भी कहा जाता है। बग मतलब गलती, त्रुटि। आपने क्या त्रुटि किया, क्या गलती किया, किस तरह का यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में आपको यहाँ पे बग दिखाई दे रहा है, गलती दिखाई दे रहा है, तो यही चीज है। ठीक है, बग को हम लोग एरर भी कहेंगे। तो यहाँ पे किसी प्रोग्राम में बग को क्या कहेंगे, एरर भी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरण करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे मॉडर्न मॉडर्न जो है मॉडर्न एक टेलीफोन लाइनों की तरह कार्य करता है। ठीक है, जो कि आपने देखा होगा कि साइबर कैफे में, जैसे साइबर कैफे में हो गया या छोटे बड़े कंप्यूटर की दुकान में यहाँ पे मॉडम लगा रहता है जिसमें कि केबल के थ्रू डाटा को हस्तांतरण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा आंतरिक करने की अनुमति कौन देता है, मॉडम देता है। ठीक है, तो उसके बाद चौथा क्वेश्चन है पहला सक्रियतम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर क्या है। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, उसका नाम क्या है, एनीएक। तो एनीएक आपको याद कर लेना है इसको। ठीक है, इसमें समझने वाली बात नहीं है, ये आपको याद कर लेना है। तो पहला सक्रिय कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, एनीएक। ठीक है, तो ये सारे जो है बी में, सी में, डी में, ये कोई किसी चीज का नाम नहीं है, इसको आप इग्नोर कर दें और एनीएक को आप याद कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा WW का सही रूप है यानी सही नाम है। यानी कि यहाँ पे पूछा गया कि WW का सही नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है WW का। जो आप लोग यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में, गूगल में WW.com जैसे लिखते हैं उसका यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है, WWW होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पांचवा का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, WW का क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे छठा क्वेश्चन है सीपीयू का क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसको भी आपको याद कर लेना है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है,
तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसको आपको रखना है, और यहाँ पे कुछ चीजें ऐसा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें आपको समझना है, बस आपको यहाँ रखने जरूरी नहीं है रखना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है तो जिसको आपको रखना है, बाकी आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन। तो यहाँ पे सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद प्लेटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, यानी कि कौन सा उत्पाद यहाँ पे जो है प्लेटियम के नाम से बेचा जाता है। तो यहाँ पे आपका हो गया मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर, तो ये सारे ऑप्शन गलत है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है, माइक्रो प्रोसेसर जो आपका कंप्यूटर यानी पीसी में लैपटॉप में लगा रहता है उसको माइक्रो प्रोसेस कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को प्लेटिनम का बना होता है, जिस प्लेटिनम के नाम से भी उसे बेचा जाता है, ये खरीदा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो प्लेटिनम का बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आठवां क्वेश्चन है, WW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन थे। WW के आविष्कारक कौन थे, तो इसको आपको याद करना है, टिम वर्नस ली, ठीक है। तो 8 नंबर का हो गया, ए ऑप्शन सही है, टिम वर्नस ली। इसके बाद 9 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्द वाली नहीं है, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड शब्द नहीं है, यानी कि इसमें कंप्यूटर का कोई शब्द नहीं है, कंप्यूटर में यूज करने वाला कोई शब्द नहीं है, तो ये कौन सा शब्द है। तो ये आपका साइबर स्पेस, ये तो आपका कंप्यूटर में स्पेस का यूज होता है, ठीक है। स्पेस वाला नाम है कंप्यूटर में, अपलोड अपलोड भी कंप्यूटर में ये शब्द होता है। उसके बाद मॉडेम भी होता है, ठीक है, मॉडेम भी एक कंप्यूटर का ही हिस्सा है। क्या सी जो है आपका प्रकाश भंडारण, ये प्रकाश भंडारण जो होता है ये कंप्यूटर का शब्द वाली नहीं है, यानी कि कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है। तो ये आपका सी हो जाएगा 9 नंबर का। उसके बाद 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर क्या है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वॉल, ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर, ये आपको यहाँ पे कमेंट में करना है कि अनुपम क्या है। अनुपम क्या, एक सोल है, सुपर कंप्यूटर है, या कंप्यूटर है, या मिनी कंप्यूटर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे अनुपम क्या है, इसको आपको कमेंट करके बोलना है, ठीक है। इसका उत्तर जो है मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात किए थे न्यू रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही जल्द न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी लगभग 2500 के प्लस यहाँ पे पैनल में, बेल्टॉन के पैनल में बचे हुए हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ लोगों का अभी ऑफर लेटर आ रहा है ऑफलाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे जब जब यहाँ पे लगभग 1000 लोग बच जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन चालू कर देगा, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है, क्योंकि हर एक पंचायत में RTPS काउंटर खुले जाएंगे, जिसके जिसके लिए वहाँ पे हर एक RTPS काउंटर में एक डाटा ऑपरेटर लगेगा, जिसको लेकर यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपको वैकेंसी हो जाती है 8067। तो यहाँ पे 8000 वैकेंसी आने वाली है, इसीलिए बेल्टॉन वैकेंसी आने से पहले वो पैनल में एग्जाम लेकर लड़कों को पैनल में रख लेती है, ठीक है। उसी के हिसाब से बारी बारी से सबको उठा के यहाँ पे पोस्टिंग करवाती है, ज्वाइनिंग करवाती है, नियुक्ति पत्र देती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन की वेट कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ साथ आप थोड़ा बेल्टॉन की तैयारी भी करें, ताकि आप लोगों को यहाँ पे जब अचानक न्यू रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा तब आपको यहाँ पे तैयारी करने का मौका नहीं मिले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो लंबी हो रही है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। और यहाँ पे अगर आप बेल्टॉन की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, यहाँ पे हर अपडेट आपको यहाँ पे बेल्टॉन के एग्जाम के तैयारी की हर तरीका यहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो
लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके लिए कीप वॉचिंग।